हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्लिप्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ये नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ चुकी है, ठीक है, बट स्टिल हमारे पास अभी भी टाइम है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये आपकी जो ये नोटिफिकेशन आई है कहाँ से आई है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आई है, बनारस से, वाराणसी से, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम का नाम है BHUET, लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020-21, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन देखेंगे और हमें एडमिशन किस में लेना, ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप एक एक करके देख सकते हैं, 125 पेजेस की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई हुई है, ठीक है। जितनी भी अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट हैं, जितनी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन आई है। तो हमें क्या देखना है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि क्या लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस है, क्या है, ठीक है। तो ये देखते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस, ठीक है। इसमें देखेंगे डेट्स, देखेंगे फ़ीस, देखेंगे कितनी एप्लीकेशन फ़ी है और कब तक हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन हमें पता है क्या है, UET है, अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट है। तो BSc एग्रीकल्चर किस में आता है? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आता है, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू NTA इस वेबसाइट से होगी, ठीक है, 14 अगस्त से 4-6 सितंबर तक 2021। तो रात के 11:50 PM तक हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 6 सितंबर। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, 4 दिन अभी हमारे पास टाइम है कि हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी हम 7 सितंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा फॉर्म अप्लाई हो गया और हम फ़ी सबमिट नहीं कर पा रहे हैं एग्जामिनेशन फ़ी, तो हम 7 सितंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या PTM वॉलेट से इसमें पेमेंट फ़ी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी जनरल कैटेगरी OBC, NCL, नॉन क्रीमी लेयर और EWS की स्टूडेंट है उनके लिए 600 है, SC ST, PWD और ट्रांसजेंडर के लिए 300 फ़ीस हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कि हमें 14 अगस्त से ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, 6 सितंबर तक है, तो हमारे पास अभी भी टाइम है कि हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी हैं, देखो कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन हमें पता है BHUET, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट 2021, ठीक है। जो अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस 125 पेजेस में दी गई है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्शन और एडिटिंग, अगर आपने कुछ करेक्शन करना है, अगर मान लिया कि हमें किसी फॉर्म में गलती हो गई, तो हमें ये डेट देंगे 8 से 12 सितंबर तक की, ठीक है। और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम NTA वेबसाइट से हमारी डाउनलोड होगी एडमिट कार्ड, वो डेट बाद में नोटिफाइड की जाएगी हमें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और हाइब्रिड टैबलेट्स और पेन एंड पेपर एज रिक्वायर्ड। ये अभी कंफर्म नहीं की गई है कि एग्ज़ाम कैसी होगी। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन MCQ होगी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वो आपके Chapter 4 पे दी गई है, ठीक है, ये 125 पेजेस की बुलेटिन है, आप आराम से देख सकते हैं इसके, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी आई नहीं है, वो आपके एडमिट कार्ड पे आएगी जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो सकता है, वो भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। 3 स्लॉट्स पर डे, 3 स्लॉट्स पर डे कहने का मतलब है कि एक दिन में 3 स्लॉट में पेपर हो सकता है, ठीक है। जैसे सुबह के 8 से 10 हो गया, 12 से 2 हो गए, ठीक है, फिर 4-6 PM और 7 PM तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये हो गई 3 स्लॉट में, तो आपका स्लॉट कभी भी आ सकता है और इस टाइमिंग में आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन जो भी आपका सेंटर होगा वहाँ आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ये किसके लिए है? BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, ठीक है, तो आप हम यहाँ से कर सकते हैं। अब क्या डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स ऑफ, ये जो देखो आपकी क्या दी हुई है, ये सारी चीज़ें बाद में दी गई जाएगी। अब इनका जो है एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब देगा, ये सब आपको बाद में अनाउंसमेंट की जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, BSc एग्रीकल्चर, तो चलते हैं पेज नंबर 11 पर, ठीक है। अब इसमें जितनी भी सारी प्रोसेस होंगी वो क्या होगी, ऑनलाइन ही होगी, जितना भी एप्लीकेशन प्रोसेस होगा सारा ऑनलाइन ही होगा, आपके वेबसाइट पे दी गई हुई है, ठीक है। तो हमें कोई भी और दूसरा, अब हमें ये नहीं कि फॉर्म को प्रिंट आउट करके हमें जाके BHU में सबमिट करना है, ये सब एक्सेप्टेड नहीं होगा, बस ऑनलाइन पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, कैसे कैसे
अप्लाई करना है हमें, ठीक है, स्टेप वन स्टेप टू, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हमें जाना है पेज नंबर 11 पर, क्योंकि हमें कौन सा किस कोर्स के लिए करना है, हमें बीएससी एग्रीकल्चर, सॉरी। तो ये है पेज नंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ठीक है। बायो ग्रुप से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप है साइंस में, ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो हमारा पेज नंबर 11 है, इसके बुलेटिन की पेज नंबर 11 है, ठीक है। ये देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के लिए है, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स है ये, ठीक है। मेन कैंपस में होंगे ये, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अप्लाइड है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कोर्स कोड, हो गई आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की 135, ठीक है। बीएससी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी काफ़ी है, और काफ़ी क्या बोलते हैं, ये उभरता हुआ एक हमारे लिए एक कोर्स है, कि हम इसमें भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमें फूड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, और डेयरी टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अगर आप कोर्स कर लें तो। 193 है इसका कोर्स कोड, इसकी बीबीएससी वेटनरी साइंस के लिए 136 है, ठीक है। ये मैक्सिमम सीट्स दी हुई हैं, ठीक है, 150, 30, 30, 30, 60, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर में क्या होगी, कुछ 15% सीट जो है ये आईसीआर से फिल होगा, ठीक है, और बाकी की सीट जो है 85% सीट बीएचयू अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो आप एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख लें, पढ़ लें, और अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी कि अगर आप 12th पास हैं, जो भी अभी 12th पास आउट है स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, वो 12th पास आउट वाले जितने भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने भी साइंस से किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं इन सारी कोर्सेस में, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप आराम से एक एक पेजेस को पढ़ें, ठीक है। सारी प्रोसेस भी दी गई है, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप दी गई है। कोई भी परेशानी होगी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इस साइट को ढूंढने में, ठीक है। सो यहाँ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मेंशनड है आपका लिंक, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ देखेंगे, देखो ये खुल जाएगा आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन, ठीक है। तो हमें यूईटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो हमें ये दिया रहेगा 2021 दिख रहा है यहाँ हमें। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट यहाँ देखो आ जाएगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, स्टेप बाय स्टेप है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म इमेज अपलोड एंड फी पेमेंट है, ठीक है। तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो हम यहाँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ओके करेंगे, यहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ ऑलरेडी डाउनलोडेड कर रखा है, ठीक है, तो आप उसमें से सारी डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू।